मैं कह दूंगा सर, आप नाम बताइए, आप नाम बताइए। मैं चढ़ गया हूँ ऊपर आपको व्यू दिखाने के लिए। ऊपर वाटर स्लाइड देखिए, सब प्यार आ रहा है जगह घूमने की। हेलो भैया, साथ में आप लोग सब, कैसा लगा? राजस्थान से आप? राजस्थान से। कैसा लगा? देखिए बादल, ठंडी हवा आ रही है। हाँ बे, सॉलिड हवा नीचे भाई। अरे बेटा राम, ये है स्कोप। तो आपको ये आपको दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? पालन के रॉक क्लाइंबिंग, फिशिंग सिलेक्ट, टेरेस फार्मिंग, चार जगह ₹50। चार जगह दिखाएंगे आपको ₹50 में। हेलो, इट्स यूजी ब्लॉग, बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर, और टाइम हो रहा है 10:49, और हम लोग यहाँ से 11 बजे तक निकल लेंगे। जैसे जैसे अभी सब तैयार वैयार हो रहे हैं, उसके बाद सब हम लोग निकल चलेंगे मुक्तेश्वर के लिए। तो अब आपको मिलेगा मुक्तेश्वर का ब्लॉग, तो देखते रहिए मेरे सारे ब्लॉग। बात कर रहे हैं अंकल, मान नहीं रहे हैं अंकल। 1500 में वीडियो मेरा चैनल है, वीडियो में आप 1500 में। आप नाम बताइए, आप नाम बताइए। 25 के लिए भैया लड़ रहे हैं भैया। अंकल लोग 1500 में ले रहे हैं। नंबर बताइए। अरे भैया यूट्यूब में, नंबर बता दो उसको। यूट्यूब वाले को बहुत बढ़िया डाला है ये, आपका भी आएगा, डालूंगा मैं। देखो ये आपको माल रोड पे ही मिल जाएंगे भैया, चॉकलेट रूम के पास। चॉकलेट रूम के सामने बहुत बढ़िया अंकल हैं, आप इनके पास आके जरूर। उसने मेरी बहुत तारीफ करी है यूट्यूब पे भी। और इससे गाड़ी में हम लोग मुक्तेश्वर नहीं जाना है, क्योंकि अंकल ने कहा था मुक्तेश्वर खास नहीं है, वो हम लोग और अच्छी जगह घुमाएंगे। तो उनसे ही बात हुई, उनको अभी अपना वीडियो देखा था, तो वो लेके जहाँ जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया जगह, हम लोग वहीं जा रहे हैं उनके साथ। तो दिखाना है, देखो हाईकोर्ट आएगा अभी, हाईकोर्ट अंकल ने कहा इधर आएगा, दिखा देना। तो चलिए आपको हाईकोर्ट दिखाते हैं। अच्छा, ये हाई कोर्ट है यहाँ का। अंदर जाने को नहीं मिलता है? अब पहले हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल, तो आपको वाटरफॉल दिखाते हैं पहुंच के। आ गए हैं लवर्स पॉइंट, ये पहले लवर्स पॉइंट आ गए हैं, पास था और ये क्लियर था, हमने कहा था इसमें वो क्लियर रहेगा, तो आप इस टाइम लवर्स पॉइंट हो जाएगी। यहाँ घोड़े वोड़े भी हैं, ये ऊपर नैनीताल सेकंड हाईएस्ट पीक के लिए जाने के लिए। ये वेलकम टू द लवर्स पॉइंट। नीचे उतर रहे हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, मार्केट तो हर जगह लगी है। मैं चढ़ गया हूँ ऊपर आपको व्यू दिखाने के लिए। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए सारा व्यू। ये साइड पॉइंट है और ये लव पॉइंट है। देखिए पहले फोटो खिंचवा के हम लोग जा रहे हैं लवर्स पॉइंट पे। तो कर दो ना, देखिए रास्ता कितनी खतरनाक है लवर्स पॉइंट की। अब बढ़िया जूते उते पहने हो तो ही आओ, ना स्लिप करके नीचे गिर भी जाओगे। पत्थर कितने स्लिपरी होते हैं भाई, यहाँ तो और पहाड़ है। जोधा अकबर, ले लो पॉइंट मिल गया। फोटो खींचा के यहाँ से निकल रहे हैं लवर्स गार्डन और सुसाइड पॉइंट से, देखते कहाँ जाते हैं।
मेरा कहना अगर आप इधर साइड आइए तो प्लीज सेफ्टी शूज पहनिए, हम आप स्लिप कर सकते हैं फोटो खिंचाने चक्कर में। नहीं नहीं है, गाड़ी है, यहाँ जाने के लिए आपको घोड़े लेने पड़ेंगे, वो आपको ऊपर ले जाएंगे। वो जा रहे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मिलते हैं आपसे। वाटरफॉल यहाँ से व्यू है यहाँ का। कर चुके हैं वाटरफॉल के पास, देखिए ये ऊपर से आ रहा है, तो हम लोग चल रहे हैं अब ऊपर के लिए। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से लेंगे, कहते ना निकल कर लेंगे, वहाँ मिल लेंगे सामने। ये है वाटरफॉल, पानी ऊपर से आ रहा है, ठीक है, फ्रेश पानी है। ऊपर वाटर साइड देखिए इधर प्यारा आ रहा है। ये है वाटरफॉल यहाँ का नैनीताल। बढ़िया है, 50 रुपये का टिकट है आपको घूमने के लिए, क्या है बढ़िया है, फोटो वोटो खिंचवा लीजिए आके, व्यूज आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर। हम लोग वाटरफॉल से नीचे उतर रहे हैं, अब नीचे उतर के देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ चलते हैं। यहाँ पर एक बस पड़ी हुई है, शायद एक्सीडेंट में गिर भी गई होगी। हम वीडियो ले रहे हैं। हाँ वो समझ गया, मैं समझ गया। ये ले लेगा, फाद ले गया, फाद वीडियो गया, फोटो ले गया, ब्लॉग में ले लो कह रहे हैं, कह रहे हैं फोटो ले लो, क्या डाल देते हैं, क्या डालने हैं, ब्लॉग में ले लो। ये मिल गए थे हम लोग वाटरफॉल में, बहुत अच्छा लगा है हमको, बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है घूमने की। हेलो भैया, बहुत प्यारी जगह घूमने की, साथ में आप लोग सब, कैसा लगा? भरतपुर राजस्थान से, आप राजस्थान से, कैसा लगा? आप बिंदी गेल, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी, बहुत चलिए हो रहा है। ये बस कहाँ की? ये बस उसकी शूटिंग हो रही थी मिथुन चक्रवर्ती की, बस नहीं खाई, अच्छा तब की है, चलिए चलिए फिर मिलते हैं आपसे, चलिए मिलते हैं आपसे, ठीक है। मिल गए थे उनको ब्लॉक में, शायद कहने का मैंने कहा लिख देता हूँ। तो ये नीचे से है, ये नीचे का वाटरफॉल है, वहाँ जाकर ये नीचे का वाटरफॉल है, ऊपर वाला बड़ा था, ये नीचे वाला है। और ये देख रहे हैं ये सब कोहरा नहीं है, एक्चुअली ये बादल हैं, जो ऊपर जो ओस है ये बादल है, जो थोड़ा ऊपर है ना तो ये बादल दिख रहे हैं आपको, ये कोहरा नहीं है। मतलब इस टाइम का मानसून बहुत अच्छा है नैनीताल का, अच्छा मानसून है, सही है, ये घूमने वाला है मानसून, तो साथ ही कह रहा हूँ ये मौसम घूमने वाला है। देख रहे कहाँ जा रहे हैं, हम लोग बादल को अपने हाथ से छू सकते हैं,
ये मोटे मोटे जीने, ये मोटे मोटे जीने, चलते 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 हालत खराब हो गई। चलिए अब जाते हैं कार के अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। ये वाटरफॉल के बाहर का है एरिया, उधर टिकट काउंटर के सामने आप टिकट लेके फिर यहाँ टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। खाने वाने का और ये कुछ सामान, और ये देखिए बादल, ये देखिए बादल, उधर झरना नीचे आ रहा है। रुको एक मिनट, ये देखिए यार जगह ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा पानी है। इसमें हम खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, कूदने जा रहे हैं इसमें। कह रहे हैं चलो हम लोग होटल के पास मिलेंगे नैनी लेक में, अंकल से कहते अंकल सस्ते लोग ना कूद के नैनी डाले मिलेंगे। बहुत सारे ना इधर भी आ रही हैं। देखिए बादल देख सकते हैं आप लोग कितना नीचे आ चुका है। हाँ बताओ, निकल चुके हैं वॉटरफॉल से, हम लोग जा रहे हैं सरिता ताल। वो कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी जा रहे हैं। चलिए अब आपको सरिता ताल भी दिखाते हैं, उसके बाद सारे ताल दिखाएंगे नैनीताल के, फिर आपसे लेंगे थोड़ी देर के लिए अलविदा, फिर कल भी मिलते हैं। बोली दी क्या? चलिए चलते हैं सरिता ताल। और ये देख सकते हैं मैं बादलों के बीच में, ट्रेन अभी ये गाड़ी आ जाती, मैं बादलों के बीच में हूँ। अभी शीशा खोलो, वीडियो बनाएं। आज देखें बादल कितने हल्के होते हैं, ऐसा लगता था। बोलो कि हम लोग बादल के बिल्कुल बादल के ऊपर आ चुके हैं। कोरा ही कोरा बादल हम लोग की गाड़ी के नीचे है। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये बादल। पेड़ के अंदर बादल, ये बादल का पेड़ है। देखिए ऊपर तो उतर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कृपा ताल में। यहाँ कह रहे हैं मैगी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, लेकिन अदरक की चाय भी है इनके पास, चाय बन जाएगी, मैगी बन जाएगी। ये कुरपा ताल, यहाँ किसी ने कुरपी से सब पेड़ उजाड़ दिए हैं, नाम रख दिया कुरपा ताल। अब यहाँ बादल के वजह कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ बादल दिखेंगे। ये है कुरपा ताल। चलो चले कुरपी ताल, बादल की वजह से हम लोग तो कोई व्यू दिख नहीं रहा है। जब आप लोग आइए, हो सकता हो बादल ना हो तो बहुत प्यारा व्यू मिल जाएगा आपको नीचे का। नीचे थोड़ा हो ले हम लोग, सीधे नैनीताल में मिलोगे। देखिए कुछ व्यू नहीं दिख रहा है। चलो अच्छा वीडियो बना। क्या आ गया ऊपर पहाड़ों के, देखिए थोड़ा सा और ऊपर आ चुका हूँ। नीचे हैं कहीं और, कहाँ जा रहे हैं अंकल हम लोग? बारह पत्थर की साइड जा रहे हैं हम लोग। चलिए बैठ के आप लोगों से मिलते हैं बारह पत्थर वाली रोड पे। ये वो है बारह पत्थर, और यहाँ से वो क्लाइंबिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है। ये देखिए दिखा दो, ये देख लीजिए आप, ये बारह पत्थर आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए उसके ऊपर की चोटी वो है,
घुमाना ऊपर से सब। कहाँ जा रहे हैं? अब ये एसी केव आने वाला है, ठंडी गुफा जिसमें से ठंडी ठंडी हवाएं। अब ठंडी गुफा आने वाली है, चलिए जाते हैं हम ठंडी गुफा। ठंडी गुफा, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, इसको भी फील करके आते हैं कि ठंडी हवा आती है। अभी चढ़ के फील करेंगे तो दिखाएंगे। ये है केव, यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ बे, सॉलिड हवा नीचे आ भाई। अरे बेटा आराम, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, देख सकते हैं। कोई विजिट करो आप यहाँ। चलो हम लोग उतर रहे हैं, इतने दिन में शर्ट सब पैंट सब ठंडी हो गई। चलिए उतर ले वरना फोन गिर जाए। अब हम लोग जा रहे हैं, देखते कहाँ जाते हैं, लेकिन इसका भी एक्सपीरियंस बढ़ जाता ठंडी हवा का। आप कहाँ चल रहे हैं अंकल? अब जाए हम लोग सूखा ताल देखने, बैठे बैठे ही देखेंगे सूखा ताल। ठंडी हवा चलिए जा, काम चल रहा है इसमें। अच्छा, पूरा पानी भर जाता है इन दिनों में। ये सूखा ताल है और ये पानी बर्फ बन जाता है जब सर्दी होती है ना, बर्फ पड़ती है। अच्छा, तो इसमें आइस स्केटिंग का मजा लेते हैं सब लोग। ये सूखा ताल अगर आप सर्दी में आएंगे तो आप यहाँ पर आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। ये है नैनीताल का सूखा ताल, अब जब भर जाएगा तब आइएगा। जब भरा जाएगा जहाँ से पूरा नैनीताल दिखेगा हम लोगों को। और ये देखिए ये व्यू आया है, दिख रहा है देखो हवा चढ़ गई है, देख चढ़ गई इधर का, दिख रहा है इधर। ये देखिए बादल कितनी तेज हवा के चक्कर में ऐसे हो रहा है। हिमालय दर्शन करने, हिमालय दर्शन तो वीडियो दिखाते हैं, फिर आपको हिमालय के दर्शन करवाते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर है हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन देखिए, यहाँ से हम आपको सारे पहाड़ दिखाते हैं। सारे पहाड़ दिख जाएंगे आपको, टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा, टेलीस्कोप लगाना, टेलीस्कोप से देख सकते हैं। वे सारे पहाड़ हैं, खुल जाएगा ना मौसम, खुल है वैसे धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पर कि मौसम जैसे खुल जाएगा, फिर देखेंगे हिमालय, हिमालय यहाँ से देखेंगे। खुल गया, खुल गया है स्कोप। तो आपको ये आपको दिखाएंगे, क्या क्या दिखाएंगे? पालन के रॉक क्लाइंबिंग गिसिंग सिलेक्ट टेरेस फार्मिंग, चार जगह 50 रुपये, चार जगह दिखाएंगे आपको 50 रुपये में। सही है, बजट फ्रेंडली है। हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, बंद है क्या? अभी बंद है भाई, बंद किए हुए हैं, जब खुलेगा तब वो दिखाएंगे। अच्छा अंकल ऐसे ही बता दी कहाँ पर हम खुद देख लें? ऐसा नहीं दिखेगा ना नेचुरल। देखिए ये सब ऊपर हैं हम लोग, मेरे दोस्तों तो पीछे हैं सब, गाड़ी वाड़ी पीछे, मैं तो आ गया गया दिखाने। ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल।
सारे हिमालय दिखेंगे आपको यहाँ से। बादल ऐसे आ रहे हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ सामान। कल के हम लोग जा रहे हैं स्नोफॉल एरिया में, जहाँ पर स्नोफॉल तो नहीं हो रही है, वहाँ ट्रॉली रोली चलती है, अब वहाँ नहीं आ रहे। तो ये देखिए भैया जी फुल गाइड कर रहे हैं हम लोगों को, लेके जा रहे हैं। आप भी विजिट, अच्छा आप भी कभी आए तो कानपुर से हो कहीं से भी हो, मेरा ब्लॉग देखो, नैनीताल आके इनकी गाड़ी बुक करिएगा। और ऊपर जाने का था इधर से भी, चलिए फिर जाते हैं ऊपर। चल रहे चढ़ते हुए हम जीत जाएंगे, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। इसे घर आ गए हम लोग, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अरे खतरनाक हैवी ड्राइवर भाई साहब, ले जाइए पत्थर है, जलेगी गाड़ी एकदम सीधी लाइए। हाँ आप चलिए, हम लोग अभी और चलो। और इधर से चलना है सीढ़ी से ऊपर चले जाओ। ये देखिए यहाँ से नीचे बॉटल शूट करने के लिए, ये नीचे टेनिस शेयर कर, शेयर भी कर सकते हैं, नहीं बॉटल नहीं शेयर करेंगे, एंजॉयमेंट डर लगता है गंदे बंदे का नहीं है बॉटल के। देखो तो आप यहाँ पर आके ये शूट भी कर सकते हैं, ये दिया गया है इसमें बोटल शूट कर सकते हैं। 50 कितने 10 50 के 10 है, शूट कर सकते हैं इसको, करना हो तो भाई ऊपर आके शूट कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूँगा शूटिंग वूटिंग। कितने पे रहे नैनीताल से ऊपर यहाँ सब दिखेगा, ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे का सीन। चलिए हम लोग आ चुके हैं अब अपने घर के पास, पूरा टूर करके अब मेले में जा रहे हैं, ऐसे ही टहलने वहलने तो जा रहे हैं अब रूम पे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लाइक करो हमारे चैनल को और देखते रहो यूजी ब्लॉग।